हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ओपॉइड्स। ओपॉइड्स क्या होते हैं? ओपॉइड्स होते हैं, ओपॉइड्स एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके जाकर के शरीर में जब भी ओपॉइड्स लेते हैं तो ये जाकर के आपकी जो फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस होती है, या आपका मैं बात करूं कि जो फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस होती है उसको जाकर के बढ़ा देते हैं, तो उसे ओपॉइड्स के नाम से जाना जाता है। और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं और कई सारे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो डील करते हैं कि ओपॉइड्स क्या होते हैं। ओपॉइड्स होता है वो आपका पेपेवर सोमनीफेरम, एक प्लांट होता है पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से ये डिराइव्ड किया जाता है, यानी कि डिराइव्ड होता है पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट, जिसे पॉपी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो आपका डिराइवेशन होगा या डेरिवेटिव होता है पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से ये प्राप्त किया जाता है, और इसको पॉपी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मोस्ट कॉमन जो मॉर्फिन होता है मोस्ट कॉमन प्रोटोटाइप, जो ओपॉइड्स होते हैं उसका जो मोस्ट कॉमन प्रोटोटाइप की मैं बात करूं कि मोस्ट कॉमन जो प्रोटोटाइप होगा ओपॉइड का, जो मोस्ट कॉमन प्रोटोटाइप होता है वो मॉर्फिन होता है, यानी कि मॉर्फिन। और मॉर्फिन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एनाल्जेसिक होता है। तो इसको याद करने के लिए या इसके फंक्शंस को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है, और उस ट्रिक का नाम है मॉर्फिन बीएससी। से आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा, यानी मॉर्फिन बीएससी के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। मॉर्फिन बीएससी होगा, यानी मॉर्फिन ने अगर बीएससी कर रखी है, यानी कि ग्रेजुएट है आपका मॉर्फिन, तो मॉर्फिन देखिए, मॉर्फिन को ऐसा वैसा ना समझे। मॉर्फिन कहता है कि मैं भी ग्रेजुएट हूं, मॉर्फिन बीएससी, और मॉर्फिन ने आपकी बीएससी कर रखी है। तो मॉर्फिन का मतलब हो गया कि ये आपका जाकर के क्या करता है, यानी मियोसिस करेगा। मियोसिस का मतलब होता है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अगर प्यूपिल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे मियोसिस कहते हैं, जबकि माइड्रियासिस का मतलब होता है प्यूपिल का डायलेशन होगा। ओपॉइड्स, ओ से आ गया, ये आपका ओपिओइड्स है। आर से क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होते हैं, यानी जब भी आप ओपॉइड्स लेते हैं तो ये रेस्पिरेटरी को जाकर के, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको जाकर के डिप्रेस कर देते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करते हैं, और उसकी वजह से आपको ब्रेडिपनिया देखने को मिलता है। ब्रेडिपनिया का मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी रेट का 10 से कम हो जाना ब्रेडिपनिया कहलाएगा। जबकि आपका जो पी होता है, और पी का मतलब होता है यानी कि मॉर्फिन बीएससी, मॉर्फिन और मॉर्फिन बीएससी का मतलब होता है पेन को कम करता है। पी से हो गया पेन, और पेन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि एनाल्जेसिया का काम करता है। एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि पेन को कम करना, और इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एनाल्जेसिया होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिया होती है वो मॉर्फिन देखने को मिलेगी, जो कि सबसे ज्यादा आपका पेन को कम करने के काम आती है। एच का मतलब होता है ये आपकी क्या करती है, हाइपोटेंशन करेगी, यानी कि एच होगा, और एच से देखने को मिलता है यानी कि ईचिंग करती है, हाइपोटेंशन करती है, या आपका क्या जा करके आपको हाइपोटेंशन करेगी, या एस्टामाइन, एच का मतलब देख लीजिए, एस्टामाइन के लेवल को बढ़ाती है। और जब एस्टामाइन का लेवल बढ़ेगा, यानी एस्टामाइन के लेवल को बढ़ाएगी, और जब एस्टामाइन का लेवल बढ़ेगा तो एस्टामाइन का लेवल जाकर के क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। यानी कि ये इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी देख लीजिए। हिस्टामाइन बढ़ेगा, हिस्टामाइन जाकर के क्या करता है, एक तो रेडनेस करवाता है, और दूसरा क्या करता है, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेशन कर देता है। और जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। आई से यहाँ पर ईचिंग करवाता है, यानी जब भी आप मॉर्फिन वगैरह लेते हैं तो ईचिंग हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग, एंड से नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा।
नौजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, यूफोरिया वाली कंडीशन डेवलप करेगी, और यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस की जो एक्सट्रीम फीलिंग होती है उसे यूफोरिया के नाम से जाना जाता है। यानी जब दो जिगरी यार मिलते हैं उसके बाद जो खुशी होती है, सोना बाबू के मिलने के बाद जो खुशी होती है, और या फिर आपका यूफोरिया आपको जब देखने को मिलेगा, जब भी आपका रिजल्ट आएगा नॉर्थ सेट का हो या किसी भी सेंट्रल लेवल का या कोई सा भी आपका जो भी आपकी कंपिटिशन एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसमें आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वो वाली जो कंडीशन होती है उसे यूफोरिया के नाम से जाना जाता है। जब भी आप अपनी सोना बाबू से मिलने जाते हैं तो जो कंडीशन डेवलप होती है यूफोरिया के नाम से जानी जाएगी। बी फोर मतलब होता है ब्रैडीकार्डिया करवाता है, यानी कि जो हार्ट रेट होती है उसको कम करने का काम करेगा, ब्रैडीकार्डिया कराएगा यानी डिक्रीज हार्ट रेट को कम करता है। एस का मतलब हो गया है ये सेडेशन का काम करती है, यानी कि निद्रा लाती है, कुंभकर्ण बना देती है। इसलिए जब भी आप अगर कोई खांसी की दवा लेते हैं या कफ सिरप लेते हैं तो वो जाकर के क्या करती है, कफ सिरप लेते हैं, कफ सेंटर होता है उसको डिप्रेस कर देती है, और उसी के साथ साथ वो सेडेशन का भी काम करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी चीज लेते हो या दवा लेते हो तो उसके बाद नींद आने लगती है, तो सेडेशन भी करती है। और सी से मतलब हो गया ये CNS को डिप्रेसेंट करती है, और जब CNS डिप्रेसेंट होता है तो आपकी नींद आने लग जाएगी या फिर कफ को सप्रेस कर देती है, जो कफ सेंटर होता है कफ सेंटर को सप्रेस करने का भी काम करती है। यानी कि ये हो गया है आपका मियोसिस, यानी कि मियोसिस हो गया, पिपल का कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा, ओपोइड्स होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, ब्रेडिपनिया देखने को मिलेगा यानी कि हार्ट रेट जो आपकी रेस्पिरेशन रेट होती है उसको कम कर देगी, पेन होगा उसको कम कर देगी है, स्ट्रोंगस जो एनाल्जेसिया होती है वो मॉर्फिन देखने को मिलेगी, स्टामाइन होती है वो लेवल को बढ़ा देती है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा, और जब ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं कि ईचिंग करवाती है, वोमिटिंग नोजिया वोमिटिंग करवा सकती है, यूफोरिया करवा सकती है, यानी कि जब भी आपकी जो एक्सट्रीम फीलिंग होगी हैप्पीनेस की उसे यूफोरिया का नाम दिया गया है। बीएससी मतलब ब्रैडीकार्डिया करवाती है, हार्ट रेट को कम करती है, सेडेशन का काम करती है, और सीएनएस को और कब सप्रेसेंट होती है कब को जाकर के डिप्रेस कर देती है। अब ओपोइड्स में कौन कौन से आते हैं, मॉर्फिन होती है वो आपकी ओपोइड्स है, यानी कि अगर बात करें कि ओपोइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है तो मॉर्फिन हो गई, मॉर्फिन के बाद में फेंटा हो गया, मेपेरिडिन हो गई, पेसिडिन हो गई, हेरोइन हो गई, हेरोइन नॉट ए हीरोइन, हीरोइन हीरोइन नजर आती है नालायकों को, तो नालायकों यहाँ पर बोर्ड पर गौर से देखेगी जो ओपर्ड्स होते हैं वो पहला हो गया आपका मॉर्फिन, जो कि सबसे ज्यादा प्रोटोटाइप है ओपर्ड्स का, मॉर्फिन के बाद में फेंटानिल आ गया, फेंटानिल के बाद में मेपेरिडिन होगा, हेरोइन होती है नॉट ए हीरोइन, हेरोइन देखने को मिलेगी, ये भी आपकी क्या है ओपर्ड्स है। उसके बाद में बात कर लेते हैं लोपेरामाइड होती है जिसको कि अवॉइड करना होता है इन्फेक्टियस डायरिया में, इसको अवॉइड कर देते हैं, और इसके बाद में देखने को मिलेगी मेपेरिडिन हो गया, मॉर्फिन हो गई, फेंटा हो गया, हेरोइन हो गई, लोपेरामाइड हो गई, तो ये सभी जो भी ड्रग्स होती है वो आपकी क्या होती है ऑपर्ट्स होती है। तो अगर वीडियो और ट्रिक पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।